हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन इन इजी लैंग्वेज, इजी वे। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मॉड एक्स बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए जनरली हम लोग कोची क्रिटेरियन यूज करते हैं। तो जो हम यूज करेंगे वो हम बताते हैं। वी शैल प्रूव दैट, पहले हमें प्रूव करना क्या है। तो कोची क्रिटेरियन के बेस पर हम ये प्रूव करेंगे, मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स वन माइनस ए लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन मॉड एक्स टू माइनस ए लेस देन डेल्टा। इस डोमेन के लिए ये ए यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स बाई एक्स है। ये तो हमने क्रिटेरियन फार्मूला जैसा आपको बताया। एक्स वन और एक्स टू क्या है, एक्स वन एक्स टू ये नंबर्स हैं, और ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो बातें हम यहाँ बता देते हैं। एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स है, ए की वैल्यू यहाँ हम एक्स टेंस टू ए होता है यहाँ पे, तो एक्स टेंस टू जीरो होने की वजह से ए की वैल्यू जीरो है। एप्सिलॉन और डेल्टा का यूजुअल सेंस है। कोची क्रिटेरियन अगर आपको आता नहीं है, प्रूफ जानना है, तो हमारा इसके पहले वाला जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप निकाल लेना, तो आपको कोची क्रिटेरियन जो कि बड़ा फेमस और इम्पॉर्टेंट है, और मैंने उसका प्रूफ काफ़ी इजी वे में वहाँ पर दिया हुआ है, वो आप सर्च कर लेना तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। ए की वैल्यू ज़ीरो है, और अब हम टू नंबर सेलेक्ट करते हैं। लेट एक्स वन बी पॉजिटिव एंड एक्स टू बी नेगेटिव। क्योंकि जीरो के नेबरहुड में लिमिट स्टडी करनी है, इसलिए हम दो नंबर एक्स वन पॉजिटिव एंड एक्स टू नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं। सच दैट ऐसे ये दो नंबर्स हैं कि जीरो लेस देन मॉड एक्स वन माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन मॉड एक्स टू माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। हमने ऐसे दो नंबर सेलेक्ट कर लिए जो इन्हें सेटिस्फाई करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इस चीज को कैच करके और ग्रेटर देन एप्सिलॉन ला देंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक्स वन पॉजिटिव एक्स टू नेगेटिव सेटिस्फाइंग दिस। हमें टू नंबर सेलेक्ट करने हैं, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव। ऐसा क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉड एक्स इन्वॉल्व है और मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट जीरो होता है, और क्रिटिकल पॉइंट से अगर ग्रेटर कोई नंबर है जैसे एक्स वन पॉजिटिव है तो मॉड एक्स वन की वैल्यू प्लस एक्स वन होगी, और एक्स टू नेगेटिव है इसलिए मॉड एक्स टू की वैल्यू माइनस एक्स टू होगी। मैं यहां लिख देता हूं, एक्स वन पॉजिटिव है तो मॉड एक्स वन की वैल्यू प्लस एक्स वन होगी, और एक्स टू नेगेटिव है इसलिए मॉड एक्स टू की वैल्यू माइनस एक्स टू होगी, प्लस एक्स टू नहीं होगी क्योंकि एक्स टू नेगेटिव नंबर है, और इसलिए क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दो नंबर हमने एक अज्यूम दो नंबर अज्यूम कर लिए, एक्स वन पॉजिटिव एंड एक्स टू नेगेटिव। अब हम इसे
चूज करेंगे और ग्रेटर देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे, और वहीं पे थ्योरम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट विद एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन को ऑब्जर्व करें, ये मॉड एक्स वन बाई एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स टू को ऑब्जर्व करें तो ये मॉड एक्स टू बाई एक्स हो गया, ये एक्स वन हो गया, यहां पर एक्स टू हो गया। मॉड एज इट इज कॉपी किया, मॉड एक्स वन, मॉड एक्स वन की वैल्यू प्लस एक्स वन है यहां पर अपॉन एक्स वन, और मॉड एक्स टू की वैल्यू माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स टू, ये आपका वन माइनस और माइनस प्लस वन, एक्स टू कैंसल, एक्स वन और एक्स वन कैंसल, ऐसे डिलीट थोड़ा शो भी कर देता हूं, ये आपका टू आ गया, और टू डेफिनेटली ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन इज एज स्मॉल एज वी वांट। सो हियर वी राइट चूज एप्सिलॉन की कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इसे सूट कर जाए टू ग्रेटर देन एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप हाफ ही चूज कर सकते हो, हाफ या वन बाई फोर, या आपकी चॉइस है वन बाय थ्री, कुछ भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू ग्रेटर देन एप्सिलॉन ला दिया फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स वन माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन मॉड एक्स टू माइनस जीरो लेस देन डेल्टा के लिए ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन ला दिया, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर एक छोटा सा रिमार्क आप देख सकते हो मॉड एक्स के बारे में, जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, माइनस एक्स फॉर एक्स नेगेटिव, ऐसा होता है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स। ये डेफिनेशन काम कैसे करती है, जैसे मॉड थ्री निकालना हो तो मॉड थ्री की वैल्यू प्लस थ्री, मॉड ऑफ माइनस थ्री निकालना हो तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा मॉड के अंदर ये नेगेटिव नंबर है, आप मॉड को जब रिमूव करोगे, मॉड को रिमूव कर दो और नेगेटिव साइन लगाओगे तो ये राइट हो जाएगा, और मॉड को रिमूव करके नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर x को क्वाड्रेंट नंबर थ्री में लिया जाए और मॉड साइन x इवेल्युएट करने को बोला जाए, तो मॉड के अंदर का ये जो नंबर साइन x दिखता है देखने में तो पॉजिटिव है, एक्चुअली ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x नेगेटिव होता है, इसलिए मॉड के अंदर के इस नंबर को यहां कॉपी कर दीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि साइन एक्स इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट नंबर थ्री, तो मॉड साइन एक्स ऑलवेज प्लस साइन एक्स नहीं होता, कभी कभी ये माइनस साइन एक्स भी होता है, मॉड के अंदर वाला नंबर मतलब कि ये चीज अगर नेगेटिव होगी तो मॉड को रिमूव करके आपको नेगेटिव का साइन लगाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। That's all in this video. If you have liked the work, please subscribe my channel and tell your friends also to subscribe. Share with them and must press the bell icon so that notification reaches you in advance. Thank you. Thanks a lot. All the best. Best of luck.